मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। राजनीतिक कटाक्ष जारी है, सपा व भाजपा में होड़ लगी हुई है एक दूसरे को तमंचाधारी साबित करने की। अभी तक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनकी सेना सपा व सपा सुप्रीमो को तमंचेधारी बता रहे थे, अपराधियों को संरक्षण देने वाला बता रहे थे, लेकिन शुक्रवार को जयंत चौधरी के साथ मेरठ पहुंचे अखिलेश यादव ने सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक मुकदमे किस पर दर्ज थे, कौन जेल में जाकर अपराधियों के साथ 3 घंटे बिताता है, कौन अपराधियों के चाय बिस्किट खाता है, जो ऐसा करता है असली तमंचाधारी वो है, मैं नहीं। शुक्रवार को अखिलेश यादव जयंत चौधरी का पहले मुजफ्फरनगर और फिर मेरठ का कार्यक्रम था। दिल्ली से हेलीकॉप्टर उड़ने में देरी हो गई। ट्वीट कर अखिलेश ने जानकारी दी कि उन्हें यहां जबरन रोका गया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा भाजपा अपने सामने आने वाली हार को देखते हुए ऐसा कर रही है। करीब 1.5-2 घंटे बाद उन्हें इजाजत मिली। मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता कर वे सड़क मार्ग से मेरठ पहुंचे। रास्ते में सरधना विधानसभा प्रत्याशी अतुल प्रधान के अलावा जगह जगह दोनों का स्वागत हुआ। करीब 3 घंटे विलंब से मेरठ पहुंचे। दोनों पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि मेरठ दबौथवा की रैली की सफलता को देख भाजपा को पसीना आ गया है, लिहाजा पहले ही चरण से प्रदेश से भाजपा का सफाया होना शुरू हो जाएगा। देखिए क्या कहा है अखिलेश यादव व जयंत चौधरी ने। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विकास चाहते हैं जहां सब वर्गों की भागीदारी हो, सभी जातियां संविधान को मानने वाले मदद करने वाले लोगों को उनकी गिनती हो और सरकार बिना भेदभाव के उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयास। तो गठबंधन के पक्ष में जो हमारे उम्मीदवार मेरठ जिले के सभी उम्मीदवार यहाँ हैं इनके पक्ष में मतदान करें और मैं मेरठ की इस क्रांति भूमि में अखिलेश जी का भी स्वागत करता हूँ। मैं जयंत चौधरी जी का धन्यवाद देता हूँ और लगातार हम लोग मुजफ्फरनगर के बाद साथ चल रहे हैं। जो उत्साह, जो जोश, जो समर्थन मिल रहा है, जिस समय सरकार आगे आती मदद करती मजदूर भाइयों की, फिर सरकार ने मजदूर भाइयों को अनाज छोड़ दिया। वो इन्हीं से पैदल पैदल अपने घर पहुंचे, बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई और फिर जब कोरोना का समय आया, मेरठ के पत्रकार और मेरठ की जनता से बेहतर कौन जानता होगा, न सरकार दवाई दे पाई, न बिस्तर दे पाई, ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी हुई, गरीब को लला कि रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन उसके परिवार की जान बचा सकता है, दवाइयों की कालाबाजारी हुई और जिस सरकार को मदद करनी चाहिए थी वो सरकार दिखाई नहीं दी, सरकार कहीं थी नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है आने वाले समय में गन्ना किसानों का क्षेत्र है, जब जब समाजवादी सरकार आई है किसानों की भलाई के लिए काम हुआ, किसानों के हित में काम हुआ है। जिन पर ऐसे मुकदमे होंगे वो तमंचेबाज होंगे, तो जिन पर एक भी मुकदमा नहीं होगा वो तमंचेबाज होंगे। मेरे साथी ये आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण न जाने कितनी बार हस्तिनापुर आए, और वो तो हमारे कुल के भी भगवान है और हस्तिनापुर इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सबसे शानदार ऐतिहासिक किसानों के लिए जो शहीद हुए हैं, किसान स्मारक बनाने का फैसला हम दोनों ने लिया है। मेरठ में सबसे अच्छा शहीद स्मारक किसानों का बनाने का काम हम लोग दोनों मिलकर के करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।